अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। देश के 216 जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस नहीं, 42 जिलों में 28 दिनों से एक भी एक्टिव केस नहीं आया सामने। बढ़ानी होगी कंटेनमेंट जोन में सख्ती, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई राहत। औरंगाबाद में 16 मजदूरों को पटरी पर रौंद गई ट्रेन। मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले थे मजदूर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जताई संवेदना। लॉकडाउन में जहां हैं वहीं बने रहने की अपील। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एमएलसी मनोनीत करने के प्रस्ताव पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्यपाल को दिया निर्देश, जल्द करें फैसला। कोश्यारी के हाथ में उलझी सीएम की तकदीर। लॉकडाउन नहीं खुला तो कोरोना से कम, भूखमरी और बेबसी से हजारों लोगों की होगी मौत। एक्सपर्ट की सलाह, सावधानियों के साथ हटाई जाए पाबंदी। भारत में कोरोना को मात देने के लिए इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का होगा विकास। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। नवी मुंबई से मिर्ची के ट्रकों में छुपकर यूपी भाग रहे मजदूर। ट्रक वाले वसूल रहे 3-4 हजार रुपए। श्रमिकों के पलायन से व्यापारी परेशान, लेकिन पुलिस और प्रशासन अनजान। भाजपा विधायक गणेश नाइक ने की एपीएमसी को तत्काल बंद करने की मांग। रोज फोड़ रही कोरोना संक्रमण का बम। 48 घंटे में 50 से अधिक मिले एक्टिव केस। व्यापारियों और अधिकारियों के घर तक पहुंचा संक्रमण। ठाणे मनपा क्षेत्र में 560 हुए कोरोना के मरीज, अब तक 21 की मौत। 427 मरीजों का कोविड हॉस्पिटल में इलाज जारी। 107 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। नवी मुंबई में 24 घंटे में बढ़े कोरोना के 43 मरीज। वासी और घनसौली में पाए गए सबसे अधिक 19 एक्टिव केस। 527 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 10 ने कोरोना से गंवाई जान। पनवेल में 92 पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 8 नए मामले। ग्रामीण इलाकों में भी 41 हुए मरीज, अब तक 5 की मौत। प्रशासन हुआ चौकन्ना।